सोलन में एपीएमसी एक्ट 2005 के चलते पहले मार्केट फीस वसूली जाती थी, लेकिन किसान कानून आने के बाद एपीएमसी एक्ट खत्म हो गया था, जिसके चलते जो मार्केट फीस एपीएमसी सोलन वसूलता था वह वसूल नहीं पा रहा था। ये मार्केट फीस सब्जी मंडी के अलावा जिला के बैरियरों पर लगाई जाती थी, जहाँ से एपीएमसी को करोड़ों रूपए का राजस्व प्राप्त होता था। ये मार्केट फीस बाहरी राज्यों से आने वाले खाद्य पदार्थों पर लगाई जाती थी, लेकिन जब से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों पर सटे लगा दिया है, तब से 2005 एपीएमसी एक्ट पहले की तरह चालू हो गया है और एपीएमसी सोलन में मार्केट फीस वसूलनी आरंभ कर दी है, जिसके विरोध में सोलन के व्यापारियों ने कुशल जेटी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और सरकार से इस मार्केट फीस को खत्म करने के लिए आग्रह किया। इस मौके पर व्यापारी कुशल जेटी ने सरकार को आग्रह करते हुए कहा कि पहले ही व्यापारी कोरोना के चलते मंदी के दौर से निकल रहे हैं, वहीं अब फिर से व्यापारियों पर मार्केट फीस लगा दी है, जिसकी वजह से अब सोलन का व्यापारी बेहद परेशान है। इसके लिए वह चाहते हैं कि सरकार इस आदेश को वापस ले और व्यापारियों को राहत प्रदान करे। उन्होंने कहा कि केवल हिमाचल ही ऐसा प्रदेश है जहां ये मार्केट फीस वसूली जा रही है। इस व्यवस्था के कारण जहां व्यापारियों को लंबी कागजी कार्यवाही से गुजरना पड़ रहा है, वहीं आर्थिक बोझ भी उन पर पड़ेगा। इसलिए वह चाहते हैं कि सरकार हिमाचल के व्यापारियों के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए। आप लोगों के माध्यम से सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जो मार्केट फीस अभी कल से शुरू हुई है, ऐसी जानकारी में है, ये हिमाचल में पहले भी थी, लेकिन 5 जून 2020 को ये बंद कर दी थी। 2020 से ये फीस नहीं ले रहे थे। उसका पहले भी हमारा कई सालों से विरोध रहा है। जितनी भी सरकारें आई और जितना भी प्रशासन, हम समय समय पे उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि ये मार्केट फीस जो ट्रेडिंग है ना, उसके हक में नहीं है। मार्केट फीस लो, लेकिन वो एपीएमसी की मंडी के अंदर लो। एपीएमसी की मंडी के अंदर मार्केट फीस लेना जस्टिफिकेशन बनता है, लेकिन एपीएमसी की मंडी के बाद कोई ट्रेडिंग होती है तो उसके ऊपर मार्केट फीस का हम विरोध शुरू से करते हैं और आज भी हम इसका विरोध करते हैं। और हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि कृपया इस मार्केट फीस को तुरंत, अगर आपने नोटिफिकेशन किया है तो उसको वापस ली जाए। इससे हमारे छोटा दुकानदार और खासकर फूड ग्रेन का दुकानदार वो बहुत परेशान है। नंबर एक तो उसको हिसाब इसका अलग से रखना पड़ता है और सरकार को इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ना बड़ा भारी रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, तब तो सरकार भी इसको लगाए, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त नहीं, लेकिन इससे उलझने बहुत ज़्यादा है। हमारा व्यापारी उलझ के रह जाएगा इसके, तो इसके माध्यम से ना, तो हम चाहते हैं कि ये खत्म होनी चाहिए। जैसे अब जीएसटी है, जीएसटी में भी हम पहले इतने उलझे हुए हैं, इनकम टैक्स है, उसके बाद ये दोबारा मार्केट फीस लागू होगी और पूरे हिंदुस्तान में केवल हिमाचल प्रदेश में ही मार्केट फीस है। एक पहले कानून होता था मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एक्ट, वो भी पूरे हिंदुस्तान में था, हिमाचल में था। हमने सरकार से रिक्वेस्ट करी और सरकार ने उसको रिमूव किया, उसको एक्ट को हटाया यहाँ से। उसी तरह ये भी हटा दिया गया था। हम चाहते हैं कि इससे सरकार को भी नुकसान होगा, हमारे प्रदेश के कारोबार ख़त्म होगा, क्योंकि हमारे बाउंड्री पे साथ लगते हैं चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब है, लोग वहाँ जाएंगे परचेजिंग करने के लिए। वो यहाँ क्यों करेगा परचेजिंग जब उसको यहाँ से थोड़ा महंगा पड़ेगा? हमारा कारोबार ख़त्म होगा, सरकार का भी नुकसान होगा और इससे सरकार का बड़ा भारी लाभ होने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार भी नहीं चाहती होगी, लगे अब ये कौन ब्यूरोक्रेट जो सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं।